यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज लोकभवन में कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें अहम अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क को मंजूरी मिल गई है। अखिलेश के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की तैयारी जिस तरह से है, उसमें अयोध्या इस बार यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एसपी बीएसपी के नेताओं के बीच अयोध्या को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब अखिलेश का थीम पार्क को मंजूरी देना सियासी स्ट्रोक समझा जा सकता है। इसके साथ ही लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना शुरू करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में मदरसों के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि मदरसों के शिक्षकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिए निधि बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट ने कम आय वर्ग के लोगों को सस्ता आवास देने की योजना और खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी है। यूपी में चुनाव के ठीक पहले हुए इन फैसलों में चुनावी बयार साफ छलक रही है और यहां अयोध्या में थीम पार्क को मंजूरी देकर अखिलेश ने एक बड़ा दांव खेला है। देखते रहिए डीबी लाइव।